नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित जायसवाल, प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन। आज हम आपसे स्टेपलर सर्कमसीजन या उसमें भी ZSR स्टेपलर सर्कमसीजन डिस्कस करेंगे। ये सर्कमसीजन करने की उन केसेस में मोस्टली जरूरत पड़ती है जिसमें फाइमोसिस होता है। फाइमोसिस मतलब जो पेनिस के डिस्टल पार्ट में फोर स्किन होती है वो रिट्रैक्ट नहीं हो पाती, पीछे नहीं जा पाती। इसकी वजह से कई सारी दिक्कतें होती हैं, स्पेशली इरेक्शन वाली कंडीशन में। अगर स्किन प्रॉपरली नहीं जाती तो पेनफुल इरेक्शन हो सकता है, उस जगह पर रिकरेंट इन्फेक्शन होता है, बदबू आती है और कई बार वहाँ पर ब्लीडिंग भी होती है यदि उसको हम लोग पेनफुली पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करते हैं तो। सो ये सारे इंडिकेशन होते हैं सर्कमसीजन करने के। सर्कमसीजन या फाइमोसिस स्पेशली बहुत सारे पेशेंट इसमें ऐसे भी रहते हैं जिनको डायबिटीज रहता है। सो डायबिटिक जो कंडीशन है उसको रूल आउट करते हैं हम हर पेशेंट में जिसमें भी हम लोग को ये प्रोसीजर करना रहता है। जो ट्रेडिशनली सर्कमसीजन किया जाता था उसमें सर्जिकल सर्कमसीजन कहते थे, जिसमें कि हम लोग ब्लेड के द्वारा जो एक्स्ट्रा स्किन है फोर स्किन की उसे निकालते थे और फिर उसमें इसको सूचर्स लगाते थे। तो वो जो प्रोसीजर थी उसमें समय अधिक लगता था, टांके लगाना पड़ते थे, कट लगाते थे तो काफ़ी ब्लीडिंग होती थी। वो ब्लीडिंग को रोकने के लिए मल्टीपल जगह कॉटराइजेशन करना पड़ता था जिसकी वजह से टिश्यू का नेक्रोसिस होता था, सेकेंडरी इन्फेक्शन का रिस्क होता था, कई बार माइनर ब्लीडिंग होने का भी रिस्क रहता था। इसकी वजह से ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी अधिक होने की वजह से उसमें एडिमा, स्वेलिंग और पेन जो सर्जरी के बाद होता है वो भी ज़्यादा होता था। तो इन सब सारी चीज़ें परेशानियों का हल जो बहुत आसानी से निकल जाता है वो होता है ZSR स्टेपलर सर्कमसीजन में। ये जो प्रोसीजर है इसमें बहुत कम समय लगता है, सिर्फ 2 या 3 मिनट का टोटल ड्यूरेशन रहता है। और ये जो डिवाइस रहता है इस तरह का रहता है, इसमें बीच में एक एनविल रहती है जिसे हम लोग ग्लांस के ऊपर रहते हैं लगाते हैं। ग्लांस के ऊपर इसको लगाने के बाद वो जो एरिया रहता है वो सेफ हो जाता है, या जो कटिंग ब्लेड है उससे उसको सेफ हम लोग कर लेते हैं। ये जो कॉनकेव पार्ट है ये ग्लांस के ऊपर इस तरह से जाता है। इसमें एक ब्लेड रहती है, जो ब्लेड रहती है वो स्किन को काटती है और जब वो काटती है साइमल्टेनियसली उसको सील कर देती है। वो सील करने के लिए एक सिलिकॉन की रिंग आती है और वो रिंग अपनी जगह पे बनी रहे उसके लिए कुछ स्टील का या मेटल का स्टेपलर रहता है उसमें। सो ये हम लोग इस तरह से ग्लांस के ऊपर लगाते हैं, उसके ऊपर ये जो डिवाइस है उसको टाइट किया जाता है। जब हम इसको टाइट कर लेते हैं तो हमें लोकेशन डिसाइड करना रहती है कि हमें कितना पार्ट स्किन का काटना है, कहाँ से काटना है। सो स्टेपलर सर्कमसीजन का एक फ़ायदा ये भी होता है कि यदि हमें पार्शियल सर्कमसीजन करना है तो इसमें हम लोग बेहतर तरीके से कर पाते हैं। एक बार जो हमने डिसाइड कर लिया हमें कितना काटना है, कहाँ से काटना है स्किन को, फिर उसके बाद हम लोग इसे टाइट करते हैं डिवाइस को और उसके बाद फिर इसे फायर करते हैं इस तरह से दबाने का। जब हम इसे फायर करते हैं तो यहाँ से एक सिलिकॉन रिंग रहती है जो स्किन जहाँ कट लगती है वहाँ पर चली जाती है। सो ये जो रिंग रहती है ये अगले 2 या 3 हफ्ते में स्पॉन्टेनियसली निकल जाती है। इस प्रोसीजर में कोई ब्लीडिंग नहीं होती है, लगभग 2 या 3 ml से ज़्यादा कोई ब्लड लॉस नहीं होता है। आफ्टर केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें हम लोग ड्रेसिंग लगाते हैं जो कि आप कुछ घंटे के बाद हटा सकते हैं। जो पेन रहता है वो पर ऑपरेटिवली तो पेन किसी भी प्रोसीजर में नहीं होता क्योंकि हम लोग एनेस्थीसिया दे देते हैं, लेकिन सर्जरी के बाद भी पेन इस प्रोसीजर में कम होता है क्योंकि इसमें हैंडलिंग टिश्यू भी कम होती है, ड्यूरेशन ऑफ प्रोसीजर कम रहता है और तुरंत ही हम लोग मल्टीपल टांके लगाने में मल्टीपल जगह इंसिजन लगता है वैसा कुछ इसमें नहीं होता है। तो पेशेंट का रिकवरी फास्ट होती है, उसे पेन किलर हालांकि लेना रहता है 4 to 5 days तक, लेकिन फिर भी पेन इसमें मिनिमम होता है। स्टेपलर रहता है, अलग अलग साइजेस के आते हैं तो पेशेंट के पेनिस के साइज के हिसाब से, एज के हिसाब से इसमें वेरिएशन रहता है। मोस्ट कॉमनली जो एडल्ट में हम लोग यूज़ करते हैं 26, 30 या 34, डिपेंड करता है पेनिस का विड्थ कितना है। तो हम लोग सबसे पहले इस जो एक स्ट्रिप आती है इसमें पेनिस के अंदर इसको डाल के हम लोग जिस होल में ये प्रॉपरली चले जाए उसके हिसाब से हम लोग स्टेपलर का चॉइस करते हैं। सो इसके सर्जरी किस तरह से की जाती है इसके काफ़ी सारे वीडियोस आप हमारे दूसरे जो वीडियोस हैं उसमें देख सकते हैं इसी चैनल पे। अगर कॉस्ट की बात करें तो इसका जो कॉस्ट रहता है इसमें स्टेपलर का कॉस्ट मिला के लगभग 18,000 से लेकर 22,000 की रेंज में रहता है। काफ़ी सारे हम लोग अलग सिटीज़ में करते हैं तो वेरी करता है थोड़ा सिटी के हिसाब से कॉस्ट। और इसके अलावा मेडिसिन रहती है वो 4 to 5 days तक खाना रहती है। जो ड्रेसिंग रहती है अभी बताया हमने कि वो 1 day तक मैक्सिमम लगा के रखना रहती है। आप अगले दिन से लगभग सारे काम कर सकते हैं, घर पे बैठने की या आराम करने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहती है। ये जो डिवाइस रहता है सिंगल टाइम यूज़ डिवाइस रहता है, डिस्पोजेबल डिवाइस रहता है। इस वजह से जो कॉस्ट है इसमें डिवाइस का कॉस्ट इंक्लूड करके हमने बताया है। यदि आपका कुछ और क्यूरी है तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। तो